न्यूक्ोटाइड्स आ रोल इन सेल फर्स्ट द कंटेंट्स न्यूक्टाइड्स एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डी एन एन आर एन ए न्यूक्ोटाइड एर कोम्स एज कैमिकल मैसेंजर्स एज एनर्जी कैरियर्स एंड एनर्जी ट्रांसफ़र स्टूडेंट्स अगर हम देखें न्यूक्टाइड्स के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली बायो मालिक्यूल्स के जो फिफ्थ ग्रुप है बायो मालिक्यूल्स के फोर मेजर ग्रुप्स में कार्बोहाइड्रेट्स नंबर वन लिपिड्स नंबर टू प्रोटीन नंबर थ्री एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड निक्लोटाइडस आर नंबर फोर निकलोटाइड्स के डिफरेंट इंपॉर्टेंट सेलुलर फंक्शंस में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो इसका है दैट न्यूक्ोटाइड्स वर्क एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डी एन एंड आर एन ए बिल्डिंग ब्लॉक्स मेन के जो डी एन ए और आर एन ए के मालिक्यूल्स हैं वो न्यूक्ोटाइड्स के ही मिलने से आपस में बनते हैं डी एन ए को बनाने वाले जो हैं दे आर द डी राइबो और इसलिए हम नॉर्मल डी सा डी का वर्ड स्मॉल डी यूज़ करते हैं फोर न्यूक्टाइड्स हैं डी ए टी पी डी जी टी पी डी सी टी पी एंड डी टी टी पी अब इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें ह्यूमन जीनोम जैसा अगर हम देखें तो हमारा जो डी एन ए है दैट इज़ अबाउट थ्री पॉइंट वन बिलियन बेसपेयर्स यानी हमारे जो है इतना ह्यूज जो साइज़ डी एन ए और ये सारे के सारा डी एन ए जो अप ऑफ रिपीटेड ऑफ दी न्यूक्लियोटाइड्स यही फोर न्यूक्लियोटाइड्स बारी बारी रिपीट होते हैं और पूरा डी एन ए जो उसको सेंटिसाइज़ करते हैं सेम थिंग इज़ विद आर एन ए आर एन ए मालिक्यूल्स दे आर आल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लोटाइड्स आर एन ए को बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड्स को हम सिंपली रॉइबो निक्लोटाइड्स कहते हैं राइबो न्यूक्लोटाइड्स में ए टी पी जी टी पी सी टी पी और डी एन ए में जहाँ टी टी पी था वहाँ आर एन ए में हम यूरोसिल की वजह से यू टी पी जो है उसको यूरिडिन ट्राइफास्फेट का जो है नाम देते हैं तो दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर एक्चुअली बिल्डिंग विच आर मेकिंग द डी एन ए आर एन ए मालिक्यूल्स सेकेंड रोल ऑफ निक्लोटाइड इज दे वर्क एज को एनजाइम इन द सेल सेल के अंदर उनका रोल जो है वो आपको है Enzymes को एनजाइम्स क्या हैं एंडज़ैम्स को वर्क करने के लिए साथ कोई ना कोई हेल्पर मालिक्यूल्स चाहिए होते हैं और उन हेल्पर मालिक्यूल्स को हम जो एंडजा के साथ मिलकर एनजाम को फंक्शनल फॉर्म में लाते हैं दे आर कॉल्ड एज द को एनजाइम्स को एनजाम हमारे पास मेटलाइंस हो सकते हैं वाइटाम्स हो सकते हैं और इसके साथ साथ निक्लोटाइड्स भी हो सकते हैं इम्पॉर्टेंट को एनजाम्स में हमारे पास जो निक्लोटाइड को एंजाइम्स हैं दे आर एन दे आर एन और आल्सो ए टी एक तरफ एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी करेंसी है तो उसके साथ साथ ये एज को एंजाइम भी वर्क करती है द अदर इंपॉर्टेंट रोल इज़ द निकलोटाइड वर्क एज अ केमिकल मैसेंजर्स अच्छा यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर करें कि जैसे नॉर्मली तो हमारे जो मैसेजेस हैं नर्वस सिस्टम मूव करते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व इम्पल्स जो हो चलती है वो थ्रू आउट जो मैसेजिंग है वो थ्रू आउट ब्रेन से तमाम बॉडी पार्ट तक होती है लेकिन विद इन द सेल भी एक मैसेजिंग सिस्टम मौजूद है चूंकि सेल इट सेल्फ अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनाइज एंटिटी है एक इसके अंदर बाकायदा एक ऑर्गेनाइज वे में है जो भी बाहर से मैसेज जाता है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर स्टॉप हो जाता है क्योंकि कोई भी जो न्यूरो ट्रांसमीटर है या कोई भी चीज़ है वो सेल मेम्ब्रेन तक जाएगी हारमोन है वो सेल मेम्ब्रेन तक इफेक्ट करेगा अब सेल मेम्ब्रेन से मैसेज को न्यूक्लियस के अंदर लेकर जाना है या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर किसी और पोजीशन के ऊपर उसको पहुंचाना किसी और जगह पहुंचाना है डेस्टिनेशन में तो ये काम जो है वो सेल के अंदर जो केमिकल मैसेंजर्स हैं वो करते हैं अब इसमें से इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल मैसेंजर दैट डा साइक ए एम जो कि एक न्यूक्लियोटाइड्स है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्टाइड आर आल्सो ऑल्सो केमिकल मैसेंजर दे वर्क एज द केमिकल मैसेंजर्स नेक्स्ट रोल इज द दे वर्क एज एनर्जी कैरियर्स न्यूक्लोटाइड जो हैं वो एनर्जी कैरियर्स का रोल प्ले करते हैं एनर्जी कैरियर से ज़्यादा मैं सिंप्लीफाई वे में ये कह सकता हूँ न्यूक्ोटाइड वर्क एज एनर्जी करेंसी आप सभी जानते हैं कि हमारा जो है वो बॉडी इट्स यूटिलाइज ए टी पी हमारे बॉडी की जो एनर्जी जो है वो किस फार्म में ए टी पी की फार्म में यूटिलाइज करता है इसी तरह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो जी टी पी की फॉर्म में है तो ए टी पी एंड जी टी पी ये दोनों ही हमारे पास क्या है न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एनर्जी करेंसी का रोल भी प्ले करते हैं जैसे ए टी पी और जी टी पी डायग्राम आप देख रहे हैं कि एक मालिक्यूल ने मूव करना है तो चूँकि आप हिल मूवमेंट है तो इस मालिक्यूल को मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए जो ए टी पी की फॉर्म में क्या होगा इसको दी जाएगी इसके अलावा हमारे जितने जैसे हमारे मसल कंट्रैक्शन है मसल कंट्रैक्शन के लिए ए टी पी चाहिए हमारे बॉडी के जितने भी डाइजेशन है जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे सारे दे रिक्वायर एनर्जी और वो एनर्जी ए टी पी की फॉर्म में प्रोवाइड की जाती है एनर्जी ट्रांसफर न्यूक्लियोटाइड आल्सो वर्क एज द एनर्जी ट्रांसफर मॉलिक्यूल्स एनर्जी ट्रांसफर का सिंपली वे फाइड वे मैं यूं कहूंगा कि ग्लूकोज को हम एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ करते हैं ग्लूकोज एज इट इज़ हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा यानी अगर हम ये कहें कि अगर हमें किसी काम के लिए हमारे मसल्स को काम करना है तो मसल्स को एटीपी जो है वो एनर्जी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी है ना कि ग्लूकोज है तो इंडियन एनर्जी करेंसी की अगर हम बात करें एनर्जी करेंसी ए है ग्लूकोज नहीं है अब ग्लूकोज से ए कैसे जनरेट होगी तो ग्लूकोज के पास से जो केमिकल एनर्जी है उसको ए की फॉर्म में लाने के लिए बीच में जो इंटरमीडिएट मालिक्यूल्स हैं दे आर एन ए डी एच एन ए डी पी एच एंड एफ ए डी एच टू अब ये तीनों जो मालिक्यूल्स हैं एन ए डी एच एफ ए डी एच टू एन ए डी पी एच they are the, actually the energy transfer molecules they are transferring energy from glucose to the atp